रोजगार के लिए युवा भूल जाए, बस केवल जो है पकौड़ा तले। देगी इस बार भरपूर जवाब देगी, एनडीए बनाएगी, इंडिया की सरकार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। और क्या या किसकी देना नहीं देना है, योगी बाबा, ये मोदी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र बचा कहाँ रहे हैं लोग, खत्म कर रहे लोग, केवल बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम से आपका पेट भर जाएगा। महंगाई तो बम्पर है, और मोदी जी तो गारंटी लेते हैं, इस चीज की गारंटी ले रहे हैं, बताइए मोदी जी अगर आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या मुद्दे है इस बार चुनाव में जाने का? हम लोग कहाँ धरना प्रदर्शन करें, बोलिए बताइए, बताओ आप देख रहे हो, यहाँ धनंजय सिंह को जेल पहुँचाए दिए दे रहे हैं, उनका ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटे दे रहे हैं, ये सब इनका मोदी जो है बिक्री नहीं करने देता है। हाँ। फिर वे बिचारे उनका जो है समझ लियो, और बाबा योगी गौशाला में भूखे न मरे जा रहे हैं। तो इसके लिए यादव तो देखिए प्रिय नेता है, बहुत प्रिय नेता है, युवाओं के साथ किए, 2024 की भर्ती निकली, पेपर लीक करवा दिए, हमने से राम राज आया है, उससे लखनऊ मोहनलालगंज या प्रपल मोहनलालगंज क्या लगता है कौशल किशोर आर के चौधरी में कौन? आर के चौधरी जीते हैं, कौशल किशोर किए क्या ये बताइए आप? आपको कौशल किशोर के 10 सालों में कोई काम दिखा है? कुछ नहीं दिखा भैया, क्या काम दिखा, हम लोग बेरोजगार निकल्ले घूम रहे हैं। महंगाई है या नहीं? बहुत बहुत मोदी शासन में बहुत महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई है। और राम मंदिर और बेरोजगारी में से किसे आप मुद्दा मानते हैं? मुद्दा तो बेरोजगारी है, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। कुछ भक्त साहब बता रहे थे कि नहीं राम मंदिर बन गया तो राम राज आ गया। राम मंदिर देखिए, राम राज पहले नहीं आया था क्या? 2014 से राम राज आया है, उससे पहले राम राज नहीं आया था? नहीं राम राज। वाकई में आपको आर के चौधरी में क्या दिखता है? आर के चौधरी में हमारे मोहनलालगंज तहसील में भविष्य दिखता है, रोजगार दिखता है, जो काम जो करवा सकते हैं वो आर के चौधरी हैं जो काम करवा सकते हैं, अन्यथा कोई कोई ये कौशल किशोर 10 साल में क्या किए हैं ये हमें आप बताइए। आप लोग बस आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं ना कि क्या बताइए। नहीं वो छोटे मीडिया वालों को कोई नहीं बताता। हाँ वो तो जनता बताएगी ना, जनता तो बता देगी इस बार, जनता की आवाज से भी बताएगी इस बार, जनता उनको बताएगी, जब चुनाव होगा तब बताएगी कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। जनता जवाब देनी चाहिए, और जनता जवाब देगी इस बार और भरपूर जवाब देगी। क्या लगता है इस बार जो है देश में इंडिया अलायंस बनाम इंडिया अलायंस, इसके बीच में कौन सरकार बनाएगी? ये एनडीए बनाएगी, इंडिया की सरकार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। और क्या, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी को फायदा नजर आता है? बहुत 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 बड़ा फायदा नजर आता है, इससे युवा जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, और इस बार बहुत सपोर्ट कर रही जनता। 2024 में पीएम मोदी राहुल गांधी बनेंगे ये तय है, हम लोगों के जो है युवा जो है हम लोग भरपूर वोट करेंगे राहुल गांधी। और अखिलेश को नहीं चाहते आप? अखिलेश यादव तो देखिए प्रिय नेता है, बहुत प्रिय नेता है, युवाओं के साथ किए, 2024 की भर्ती निकली, पेपर लीक करवा दिए, हम लोग को दिए क्या, निठल्ले ये देखिए घूम रहे हैं बिना रोजगार के, हम लोग कहाँ ये देखिए भक्ति भाव एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रोजगार भी एक जो है रोजगार भी हम लोगों को दिया जाए। ये आपको कहाँ नजर आता है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है? नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, विकास आपको नजर आता है? बिल्कुल नहीं आता विकास। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जाने का? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, और राम मंदिर बना दिया 1370 राम मंदिर को नहीं, युवाओं को तो फायदा होना चाहिए ना। अच्छा रोड पे घूम रहे हैं, और ये जो पेपर वाला उत्तर प्रदेश में प्रश्न से पहले उत्तर आ रहे हैं, इसके मामले सरकार के ऊपर है ना, सरकार क्या कर रही है? क्या लगता है आपको ये पेपर लीक होते हैं कराए जाते हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव था इसलिए पेपर लीक हुआ, अन्यथा अभी तक कोई भर्ती नहीं निकल रही थी। क्या ये लोग करवा दिए रोजगार के दिखे ये लोग? ठीक कह रहा लोग, अरे
आप देख रहे हो वहाँ धनंजय सिंह को जेल पहुँचाए दिए दे रहे हैं, उनका ब्रिज भूषण सिंह का टिकट काट दे रहे हैं। ये सब जेल में तो वो भी आम आदमी पार्टी सरकार के ही तो कह रहे हैं, जब सबको आप जेल में डाल देंगे एक एक तरफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बताइए ये जब डालते हैं तो उसी भी लगाते हैं, विपक्ष को जेल में डाल के क्या लोकतंत्र बताया जा सकता है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र बचा कहाँ रहे हैं लोग? खत्म कर लोग केवल बोलते हैं जय श्री राम से आपका पेट भर जाएगा, ईडी के सामने ईडी किस पे है? ईडी किस पे है? कोई भाजपा के कार्यकर्ता पे ईडी है? ईडी आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि ईडी किस पे है? भाजपा का कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, ईडी है उस पे? इस बार तो बीजेपी कह रहे ना वो वाड़ा ज्ञान वापी और मथुरा, क्या लगता है पॉलिटिकल मुद्दे या? देखिए ये मुद्दा कोई देखिए युवाओं पे प्रभाव तब पड़ेगा ना जब रोजगार देंगे आप रोजगार दीजिए हम लोग प्रभाव भाई, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं कौन सी पार्टी है कौन अच्छी, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, हम निठल्ले घूम रहे, हमको रोजगार दे सरकार, बस ये हमारी। रोजगार के लिए आपको किससे उम्मीद है? कौन सरकार है जो आपको लगता है युवा नेता? देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब हम लोग को रोजगार मिलेगा, अन्यथा रोजगार के लिए युवा भूल जाए, बस केवल जो है पकौड़ा तले। यूपी में परिवर्तन से क्या रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ये दादा ये बताओ इस बार महंगाई है? महंगाई तो बम्पर है, अब मोदी जी तो गारंटी लेते हैं, इस चीज की गारंटी ले रहे हैं बताइए मोदी जी? किसान चीतन तो मारा जा रहा हर जगह, बताओ नहीं मारा जा रहा? बहुत 23 रुपया किलो बिक रहा, अरे उनका चोकर जो सरकार दे रही चोकर दाना ठीक 1850 का बोरी दे रहे, इसलिए नहीं महंगाई बताइए बताइए। सरकार ने आंदोलन को रोक के किसानों को राजधानी जाने से रोक लिया, बताया है कि कम से कम इससे जो है दिल्ली में जाम नहीं लगे, इस पर आपको क्या नजर? दिल्ली में जाम हरदम लगेगा, दिल्ली में कहाँ नहीं जाम लगेगा बोलिए। किसानों की एमएसपी की मांग जाए या नहीं है, क्या लगता है आपको? किसान वहाँ दिल्ली में मर रहे हैं ठीक, उनको क्या ये 24 का चुनाव है, ये चुनाव का राजनीति चल रही है, चल रही है। शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान है या खालिस्तानी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलाएं, जो भी है आपको क्या लगता है वाकई में वो किसान है या नहीं है? बिल्कुल किसान है यार, या किसकी देना नहीं देना है? योगी बाबा ये मोदी हराव वाली समस्या कहाँ से आ गई है? जब से यूपी में सरकार योगी बाबा की बनी है तब से नहीं, हम ये समझना चाहते हैं योगी की सरकार आने के बाद हराह समस्या पैदा होने के कारण का ये जानना है। योगी ने छुड़वा दिया या मोदी ने छोड़ा दिया, क्या है इसको? योगी ने छुड़वाया, जब बिक्री ने बंद कर दिया ऑटोमेटिक खुलेंगे यार। बिक्री काहे के लिए बंद हुई? बिक्री सारी बंद हो गई तो हम क्या जाने, जाने? सरकार ने कहा जानवर बिकेंगे नहीं, अभी तो हम मार्केट में उधर घुमाओ, सब जानवर बिक तो रहे हैं यार, जानवर तो बिक रहे हैं। अरे यार हमारा वीडियो बना लेती, चले डाल देती। नहीं नहीं हरहा बिक तो रहे हैं तो कैसे बढ़ गए? कहाँ तो बिक रहे हैं रहा बताओ, कहाँ तो बिक रहे हैं? देखो अब गैया कोई ले गया 50,000 गैया ले गया, उसका बछड़ा बछड़ी क्या करेगा बोलिए? वो जब बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिक खोल खेत देगा। हाँ तो उन्हें तो खोल खेत वाले हैं, बात सही कहा। अच्छा जब वो बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिक खोलेंगे। अब 50,000 की गैया ले गया अगला, वो नहीं हीट हुई नहीं गर्म हुई तो ऑटोमेटिक उसको बांध के थोड़ा खिलाएगा, खोल खेत देगा वो बिकी और पहले बेच लेगा? नहीं सरकार सब कुछ करा रही नहीं। एक मिनट, जानवर आपने पाला, चीजें आपने पाली और आप खोल के अगर नहीं आपकी जानवर को हुई तो आप अगर पहले मान लीजिए बिक्री होती तो आप क्या करते? उसे कौन ले जाता है? उस गाय को आपकी कौन ले जाता? उसको कोई ले जाए यार, मालूम है उस गाय का क्या होता? क्या होता का होता वो गाय जो फरती वरती नहीं है और या साड़ बेचे जा देते? वो तो कसाई ले जा सकते,
हेलो, उसको हत्या होती बताओ, उसको हत्या हमारा जानवर, तो उसको हम उसको क्या करेंगे, उसको खवाए कि पिलाए, क्या करें उसको, उसको नहीं पिलाते हम, उसको उसको कसाई को देना जायज है नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। एक आपके लिहाज से हम कसाई को हम नहीं दे सकते हैं, मिलो मजबूरी है, चलो जे नहीं भाई, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार यहाँ दे दे कि जानवर कसाई को बेची जाए, मतलब बिल्कुल यही चाहते हैं। अरे ये सही है नहीं सही है, योगी सरकार ने तो जानवरों को कटने पर रोक लगाया है, हाँ चलो बिल्कुल कटने पर रोक लगाया है, इस कटने की रोक हटनी चाहिए नहीं, नहीं जो रोक लगाया मीडिया का चाह, अरे सुनो रोक लगाया तो सही लगाया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जानवर यहाँ छोड़े जाते हैं वो कहाँ जाते हैं ये बताइए आप, बिल्कुल ये जानवर खेतों में चल रहे जानवर कहाँ से आते हैं, समझ में आता है, अगर जानवर जाते कहीं नहीं है तो खेतों में लोग के जो चल जाते मोदी, कहां से आते हैं? मोदी जो जो है बिक्री नहीं करने देता है फिर वे बेचारे का जो है समझ लियो, और बाबा योगी गौशाला में भूखे रहे हैं, तो इसके लिए कोई समाधान है आप लोगों के पास? हाँ समाधान यह है कि बिक्री हो, अधिकारी हो, भरी हो, ये सब कराए कर, बिल्कुल सही, और चीज बता देते हैं कि वहाँ देखिए पुलिस भेज देते हैं, हर चीज भोज देते हैं, सारी व्यवस्था टाइट रखते हैं, इस चीज के लिए गौशालों में भूखो मरे जा रहे हैं जानवर, इनके लिए व्यवस्था टाइट नहीं हो सकती, इससे बड़ी हत्या कोई है नहीं, प्रधान जितने हैं उनका है। समय से गौशाला में पैसा भिजवाया जाए, समय से उसका दाना पानी दिया जाए, गौशाला में बढ़िया अच्छे तरीके जानवर रहे, दस गांव छोड़ छोड़ के गौशाला बने, कागजों पे तो बताया गया कि भैया गौशाला में सब स्थितियां बढ़िया है, पैसा भी एक भी गौशाला भैया मोदी देखे की गौशाला की स्थिति क्या है, आप देखे किसी गौशाला में जानकारी आपको लाइव टेलीकास्ट देखे मोदी जी, जो भी देखे मतलब गौशाला में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ, छिछल यादव मची बड़ी हर पंचायत में देख लिया जाए, पंचायत देख लिया जाए, पंचायत में देख लिया जाए, सब प्रधान पैसा खा जा रहे हैं, जानवरों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे किसान लोग को राहत मिले, पहले खेत में रात में रखवाली ना करें, जब तक थी तब तक कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं था, अब जब से इनकी सरकार आई आज तक सारा नुकसान ही नुकसान, जब कांग्रेस सरकार थी तो कोई